दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप SIP चला रहे हैं तो आपके लिए समझो एकदम यहाँ पर एक गुड न्यूज है। इसी के साथ में अगर आपका म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है या फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर अपनी नई SIP शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए समझो ये गोल्डन चांस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक एक मंथ से जो मार्केट था वो डाउन होते ही जा रहा था और उसी हिसाब से अगर आप SIP चला रहे थे या फिर म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था तो उसकी NAV थी जो भी आपके म्यूचुअल फंड की, वो एकदम समझो डाउन होती जा रही थी। इसी के साथ मैं आपको खुद भी दिखाऊंगा कि आखिर कहाँ से और किस तरीके से हम अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी के साथ में अभी जो ग्राफ है मैंने देखा है आज, जो कि ऊपर की ही तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो मार्केट था वो समझो डाउन हुआ था, यानी कि शेयर बाजार था वो यहाँ पर डाउन हुआ था, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अगर इस समय अगर आप इसमें जरा सा भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर आधे आधे से ज़्यादा कभी यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिले। तो चलिए जान लेते हैं, चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड पर जाने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है जैसे कि वॉच लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कोटका में किया था और इसी के साथ में SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में किया था, तो मैं चलिए इसी को ही सबसे पहले तो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा था, यहाँ पर ग्राफ ये देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसे अभी आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब करीब इतना यहाँ पर डाउन था, करीब 425 रुपये की NAV थी, तब मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, पर मुझे ये पता नहीं चल पाया था कि यहाँ से इतना ज़्यादा डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउन हो गई थी, यानी कि जो NAV डाउन हुई थी वो हुई थी, यानी कि 411 रुपए रह गई थी, जो कि NAV हाई NAV थी यहाँ पर 437 रुपए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर लगभग 26 रुपए का यहाँ पर फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो तो थी कि जो तो चलो गुजर गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्यों देखने को मिल रहा है और हमें इसमें पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो चलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल के लिए ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टूडे शेयर मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से आपको सब कुछ एक वक्त में समझो पता चल जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं निफ्टी 50 और इसी के साथ में सेंसेक्स, जो कि यहां पर अभी जो ग्राफ है वो चल रहा है, यहां पर चल रहा है 0.69 चल रहा है और यहां पर निफ्टी 50 में चल रहा है 0.61। तो कहने का मतलब है आज जो शेयर जो मार्केट है वो यहाँ पर ऊपर की ही तरफ हमें देखने को मिली है। जैसे कि हम यहाँ पर निफ्टी 50 को सिंपली इस ग्राफ के लिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एक डे, ठीक है, और इसी के साथ में 5 डे और इसी के साथ में 1 मंथ। तो कहने का मतलब है 1 मंथ तक जो था वो ग्राफ नीचे की ही तरफ आया था, ठीक है, पर आज यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है कि जैसे कि हम एक डे का यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर जो ग्राफ है वो यानी कि ग्रीन कलर का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है आज जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया है। अब यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड से या फिर आप SIP कर रहे हैं तो उससे और इसका क्या कनेक्शन होता है, जैसे कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है आपका कोई सी भी हो सकता है, मेरा कोई सा है, यानी कि मैंने कोई सी में पैसा इन्वेस्ट किया है और आप कोई सी में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या, ये निफ्टी 50 जो है, जो कि इसके अंदर कुछ कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो कंपनियों में जो हम म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, उन कंपनियों में पैसे को निवेश करते हैं। अब ऐसे में जब वो कंपनियां यहाँ पर ग्रो करेंगी तभी वो हमारी NAV है वो वहां पर हाई होगी, तो ये अंतर पड़ता है यहीं से ही। तो आज जो देख पा रहा है टूडे, तो यहाँ पर 0.64 यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में 1 मंथ तक तो अभी तक तो ये डाउन ही था, अब यहाँ पर देख भी पा रहे हैं जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चला है, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर जैसे कि आज हुआ है, ठीक है, अब इसी के साथ में आप इसे कल भी चेक करें कि आखिर ये ग्राफ हल्के हल्के ऊपर की ही तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो आप यहाँ पर आपके लिए एक गोल्डन चांस आप समझ सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा भी पैसा इन्वेस्ट करके और बहुत ही जल्दी यानी कि आधे आधे का प्रॉफिट ले सकते हैं। कहने का मतलब है मैंने यहाँ पर जो SBI कॉन्ट्रा में ही मैं ज़्यादातर अपना पैसा निवेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने जमा किया था
करीब मैंने किया था 1 सितंबर को पैसा यहाँ पर जाने की अपना इन्वेस्ट किया था 2023 में, और जो कि मुझे यहाँ पर रिटर्न दिए हैं वो काफी अच्छे रिटर्न देखने को मुझे मिले हैं अब भी, यानी कि इतना गिरने के बाद तब भी। चलिए मैं यहाँ पर जो मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश किया है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। SBI ठीक है, कॉन्ट्रा फंड, कॉन्ट्रा फंड ये आ गया। मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर देख पा रहे हैं जब मैंने इसमें पैसे को निवेश किया था जो इसकी NAV थी वो थी यानी कि 282 रुपए। आज की रेट में हम बात कर लेते हैं तो आपको यहां पर जो NAV है वो देखने को ही मिल ही रही है, ठीक है, कि आपको कितनी NAV है। इसी के साथ में अब मैंने यहां पर 1 सितंबर को जो पैसा था मैंने यहां पर इन्वेस्ट किया था और आज की रेट में आप देखेंगे कि इसका जो कितना प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला। तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न देते हैं वो देते हैं कॉन्ट्रा फंड, बस इनमें थोड़ा सा आपको समय चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास समय है तब आप इसमें पैसे को निवेश करें, अन्यथा ना करें। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं 350,000, ठीक है, मैंने यहां पर कर दिए हैं। और उसके बाद में यहां पर मैं डेट सिलेक्ट कर देता हूं जैसे कि 09 और उसके बाद में 1 यहां कर देता हूं, 1 मैं यहां कर देता हूं 01, ठीक है। उसके बाद में मैं यहां पर सबमिट कर देता हूं। अब सबमिट करने के बाद जो प्रॉफिट है यानी कि 1 साल में लमसम यानी 1 साल से 1-2 महीने यहां पर ऊपर ही हो गया और जो प्रॉफिट मुझे यहां पर देखने को मिल गया है वो मिल गया है इस समय 1,33,449.46 पैसे का मुझे यहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि ये 42 तक यहां पर इसने रिटर्न बीच में चला गया था, यानी कि 42 तक यहां पर दिखा रहा था, पर यहां पर जो अभी जो ग्राफ है यानी कि जो NAV डाउन हुई है उस वजह से यहां पर ये 32 पर यहां पर आकर रुक गया है, ठीक है। इसका चलिए मैं आपको यहां पर एक लाइव भी दिखा देता हूं जो मैंने इसमें पैसे को निवेश किया है, क्योंकि काफी लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं यार आप तो खाली वीडियो बनाने की वजह से कह देते हो, ठीक है। तो ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज होती है मैं खुद आपको एकदम रियलिटी दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पर अभी आपको दिखा देता हूं, पर यहां पर जो NAV है अभी यहां पर कैलकुलेट नहीं हो पाई है तो इस वजह से यहां पर अभी जो इसमें पैसा है वो यहां पर देखने को नहीं मिला है, यानी कि जो NAV है वो कैलकुलेशन नहीं हुई है, पर वेबसाइट ने मुझे यहां पर बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका म्यूचुअल फंड में पैसा है और आप उस पैसे को निकालने की सोच रहे थे, ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उस पैसे को ना निकालें। इसी के साथ में SIP है, अगर आप SIP चला रहे हैं तो SIP को आप बढ़ाकर यहां पर पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि सस्ती NAV आप अधिक खरीद पाएं, और उसके बाद में जब सीधी सी बात है जब NAV हाई होगी तो आपके पैसे भी यहाँ पर बढ़ेंगे और इसी के साथ में NAV महंगी होगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट है वो अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो आप यहाँ पर किसके थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू मैं भी यहाँ पर करता हूँ और इसमें आपको बता दूं कोई झंझट वाला काम नहीं है, आपको सारी चीज़ें ही देखने को मिल जाती हैं एक ही ठिया, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट के थ्रू करते हैं या फिर आप बैंक जाकर करते हैं तो बैंक वाले आपको सीधे सीधे रेगुलर प्लान दिखाएंगे, वो आपको डायरेक्ट प्लान नहीं बताएंगे, क्योंकि रेगुलर प्लान में उन्हें कुछ कमीशंस मिलती है, क्योंकि अगर आप रेगुलर प्लान में आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहने का मतलब है आप एक एजेंट को बाय कर रहे हैं। अगर आप एजेंट को बाय कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपेंसिव जो रेट होता है यानी कि जो आप पैसा दे रहे हैं जिस कंपनी के लिए, वो कंपनी उस पर सिक्योरिटी चार्ज अधिक लगाती है, ठीक है, और उसी सिक्योरिटी चार्ज में से आप जिस एजेंट को आपने बाय किया है वो कंपनी पैसा उसे देगी, आप उसे पैसा नहीं देते हैं। अब आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि आखिर वो रेगुलर प्लान आपको बता रहे हैं अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर SIP करा रहे हैं तब, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे कि रेगुलर होगा तो SBI कॉन्ट्रा रेगुलर, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको रेगुलर का शब्द जरूर देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट में जैसे कि यह है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी से आप डायरेक्ट ही NAV को बाय कर रहे हैं, कहने का मतलब है यूनिट को बाय कर रहे हैं, और इससे यह है कि आपके बीच में कोई भी एजेंट नहीं आता है तो वहाँ पर जो एक्सपेंसिव रेट है वो कम होता है। जैसे कि एक्सपेंसिव रेट होता क्या है मैं आपको चलिए वो बता देता हूँ।
जैसे कि एक्सपेंसिव रेट है वो होता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है एक्सपेंसिस रेट, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल गया है 0.58%, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते तो कम से कम ये होता 1.56 हो सकता था, ठीक है, या फिर 51 हो सकता था, इस तरीके से होगा। तो चलिए मैं आपको इसका यहाँ पर लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है, कहने का मतलब ये डायरेक्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट, ठीक है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर रेगुलर में जाता हूँ तो मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा हटा देता हूँ, एक न्यू के लिए ओपन कर लेता हूँ पेज के लिए, और मैं यहाँ पर सर्च बार में लिख देता हूँ SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट, यानी कि रेगुलर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इस वेबसाइट को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट को जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो हमारे सामने यहां पर सारी डिटेल्स अभी शो होने लगेगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरनेट है तो थोड़ा सा स्लो है, तो मैं चलिए फ़ोन के लिए थोड़ा मैं ऊपर रख देता हूं। जैसे ही मैं फ़ोन के लिए यहां पर थोड़ा ऊपर रखता हूं तो मैं यहां पर इसे स्क्रॉल कर लेता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे जो एक्सपेंसिव जो रेट है वो है यहां पर 1.51, तो कहने का मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। अब इसी के साथ में एक्चुअली में इसमें अंतर क्या क्या होता है, ठीक है, वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अंतर अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते हैं तो कहने का मतलब है एक एजेंट को बाय करते हैं, और एजेंट वो आपको सारी चीज़ें बताता है, ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, एजेंट का यही काम होता है, हालांकि कोई भी नहीं बताता है। और आपका पैसा जितने समय तक आपका म्यूचुअल फंड में रहेगा, ठीक है, तो उतनी यानी कि साल के साल उस एजेंट के पास कमीशन जाती रहेगी, तो यही होता है, ठीक है, रेगुलर में और डायरेक्ट में। और आपका पैसा है जैसे कि आप जानते हैं ये रेगुलर है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं रेगुलर है, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर डायरेक्ट पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है पैसा जैसे कि 1,00,000 मैं दूंगा, 1,00,000 रेगुलर वाला देगा, ठीक है, तो वो पैसा है एक ही कंपनी में काम करेगा, एक ही तरीके से काम करेगा सारा कुछ, ठीक है। पर जब भी वो रिटर्न मिलेगा तो डायरेक्ट वाले को हमेशा बढ़कर ही मिलेगा, क्योंकि उसके बीच में कोई एजेंट नहीं था, और रेगुलर वाले को वहाँ पर कम मिलेगा। और आप यहाँ पर 10-20 लाख रुपए भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं और लगभग चलाते हैं 20-25 के समथिंग, ठीक है, तो 20-25 साल तो आपको यहाँ पर समझो करोड़ों तो पड़ ही सकता है अगर आपका म्यूचुअल फंड सही है तब, ठीक है। इसी के साथ में आपको करीब 50-60 लाख तक का यहाँ पर कम अधिक देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट के ही थ्रू करें, और इस समय आप यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो NAV है वो समझो डाउन है, और इस समय आपके पास एक गोल्डन चांस है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको मैं बता दूं इसमें कोई क्लियर नहीं है कि आपको यहां पर एकदम NAV ऊपर ही जाएगी अभी, ठीक है, पर आने के बाद यानी कि जब डाउन होगी तो ऊपर भी जाएगी, और इस समय जो NAV है वो समझो डाउन है, तो आप इसका यहाँ पर फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ मेरी बात समझ में आ गई होगी, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।